हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हो। आज हम क्लास 9th का एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 6 को स्टार्ट करेंगे। जो बच्चों न्यू बुक के अकॉर्डिंग है, अगर पुराना बुक में इसे क्वेश्चन को खोजेंगे तो 2.5 में आपको मिलेगा, जिसमें लिखा हो चाहे निम्नलिखित घनों को प्रसारित रूप में लिखिए। क्वेश्चन फर्स्ट है बच्चों 6 का 2x+1 का क्यूब है। तो पहले क्या करें बच्चों, इस फार्मूला को लिखेंगे जिस फार्मूला पर यूज होगा, a+b का होल क्यूब के फार्मूला को इसमें यूज करेंगे। फॉर्मूला होता है a³ + b³ + 3ab (a+b)। अब सिंपली क्या करेंगे बच्चों, कंपेयर करेंगे। तो a के जगह पे क्या आएगा, 2x आएगा। क्या आएगा बच्चों, a के जगह पे 2x, यहाँ लिखेंगे a=2x और b=1 आएगा बच्चों। b=1 आएगा। सिंपली क्या करेंगे, इसमें पुट कर देंगे। तो a के जगह पे पुट करेंगे बच्चों 2x, क्या पुट करेंगे 2x, प्लस बी के जगह पे 1 को पुट करेंगे, प्लस इसके बीच में मल्टीप्लाई है तो 3 × a कितना 2x है, b कितना 1, ब्रैकेट a+b है, a के जगह पर 2x, जहाँ जहाँ a है वहाँ पे 2x पुट करेंगे, जहाँ b है वहाँ पे 1 पुट करेंगे। और 2x³ का मतलब होता है बच्चों उस नंबर को 3 बार लिखना। जब 2x को 3 बार लिखेंगे तो आंसर क्या, अगर 2x को अगर 3 बार लिखेंगे, 2x, तो 2 × 4 × 8 कितना आएगा बच्चों, 8 आएगा। और x कितना, और 1, 2, 3। ध्यान रखना क्यूब का मतलब होता है उस नंबर को 3 बार लिखना। कितना आ रहा है बच्चों, 8x³ आ रहा है। कितना आ रहा, 8x³ आ रहा। 1 का क्यूब तो 1 ही होता, 1 को कितना बार भी गुना करेंगे तो 1 आएगा। और यहाँ पे क्या बच्चों, 3×2 = 6x, क्या 3×2 = 6x, और ब्रैकेट में क्या 2x+1। सिंपली इसको लिख देंगे 8x³ + 1, और अंदर में क्या करें, मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 को 2 से करेंगे तो 12 हो जाएगा। और x कितना बार, 2 बार है, तो यहाँ x² हो जाएगा। फिर इस नंबर को 1 से करेंगे तो 6 को 1 से करेंगे तो क्या आएगा, 6 आएगा। यहाँ पे x है तो x लिख देंगे। यही क्या होगा बच्चों, इसका आंसर हो गया। अगर बच्चों समझ में आ गया तो 6 का सेकंड नंबर क्वेश्चन वीडियो को पॉज करें, खुद से ट्राई करें। 6 का जो सेकेंड पार्ट है बच्चों, उसमें लिखा हुआ 2a - 3b³। इसमें फार्मूला यूज होगा जो माइनस का, a - b³³ का जो फार्मूला होता है, a³ - b³ - 3ab और a - b। सभी में ध्यान रखना बच्चों, जो प्लस का जो फार्मूला है उसमें सारे जगह क्या करना, माइनस कर देना। तो जो कंपेयर करेंगे तो a के जगह पर क्या आएगा, 2a आएगा। क्या बच्चों, तो यहाँ पे लिखेंगे a = 2a और b = क्या जाएगा बच्चों, 3b। क्या आएगा, 3b, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। माइनस माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। सिंपली क्या करें, इसमें पुट करना है तो 2a³ - b के जगह पे 3b³ - 3 a के जगह पे क्या पुट करना बच्चों, 2a, और b के जगह पे उसके बाद a के जगह पे क्या पुट करना बच्चों, 2a, और b के जगह पे माइनस का 3b। तो 2a³ हो जाए बच्चों 8a। a कितना वाला, 3 बार। जब 3 का क्यूब करेंगे तो 27 आएगा। क्या आएगा, 27 आएगा। बस बेसिकली ध्यान रखना, इस नंबर को 3 बार लिखे क्या करना, मल्टीप्लाई करना। -3×2 = 6, 6 को 3 से करेंगे तो 18, और a और b है तो a और b लिख देंगे, ब्रैकेट 2a - 3b। तो यहाँ पर हो जाएगा बच्चों 8a³ - 27bq, अंदर गुना करेंगे, 18 को 2 से करेंगे तो क्या होगा, 36 आएगा। और a कितना बार, यहाँ पे 2 बार, एक बार यहाँ पे, एक बार यहाँ पे, तो a² b कितना बार, 1 बार है। और माइनस को माइनस से गुना करेंगे तो क्या प्लस आ जाएगा, 18 को 3 से करेंगे तो 54, और यहाँ पे a 1 बार है, b कितना बार बच्चों, 2 बार है, b कितना बार है, 2 बार है। यही क्या होगा बच्चों, इसका एक्सपेंशन हो गया। अगर बच्चों वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करना, चैनल को ना भूलें। अगर बच्चों समझ में आ रहा है तो वीडियो को पॉज करें और नेक्स्ट क्वेश्चन को खुद से ट्राई करें। 6 का जो थर्ड पार्ट में जो क्वेश्चन गिवन बच्चों, 3/2x+1³। यहाँ पे प्लस है तो प्लस वाला आइडेंटिटी यूज होगा, a+b³, जिसका फॉर्मूला था a³ + b³ + 3ab (a+b)। तो जब कंपेयर करेंगे तो a के जगह पर क्या आएगा, 3/2x आएगा। a के जगह पर क्या आएगा, 3/2x, और b के जगह पर क्या आएगा, 1 आएगा। और सिंपली क्या करना है, इसमें पुट करना है, a के जगह पर 3/2x³, और b के जगह पर 1³ + 3ab। a के जगह पर क्या पुट करना, 3/2 × x, और b के जगह पर 1, फिर ब्रैकेट a+b, 3/2 × x + 1।
यहाँ पे ऊपर में भी क्यूब होगा बच्चों, नीचे में क्यूब होगा। तीन का क्यूब क्या होगा, 27 हो जाएगा। तीन का क्यूब क्या होगा, 27, और दो का क्यूब क्या होगा, 8 होगा। क्यूब का मतलब बताया था बच्चों उस नंबर को तीन बार, एक्स कितना बार है, तीन बार, तो यहाँ पे तीन बार लिखेंगे। वन का क्यूब तो वन होगा, और यहाँ पे ऊपर वाले को ऊपर से गुना करेंगे, तो 3 × 9/2 × x ब्रैकेट 3/2 × x प्लस 1। इस नंबर को लिख देंगे 27/8x³+1, और अंदर यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, 9 को 3 से करेंगे तो क्या हो जाएगा 27, और 2 को 2 से करेंगे तो 4 हो जाएगा। x कितना रहा, एक बार यहाँ पे, एक बार यहाँ पे, तो दो बार हो जाएगा। फिर इसको इससे करेंगे, 9 को 1 से करेंगे तो 9 आएगा, नीचे क्या 2 को, यहाँ पे भी 1 है तो 2×1 = 2 होगा, और यहाँ पे x है तो x हो जाएगा। यही क्या होगा बच्चों, इसका आंसर हो गया। इसमें पहले इस नंबर से गुना किए, फिर इस नंबर से गुना किए। अगर बच्चों अच्छी लग रही हो तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करना चैनल को ना भूले। कोई भी डाउट हो तो कमेंट में उसे जरूर लिखिए। 6 का जो फोर्थ पार्ट है उसमें लिखा है बच्चों x − 2/3 का होल क्यूब। यहाँ पे माइनस है बच्चों, तो माइनस का फॉर्मूला यूज होगा, a − b का होल क्यूब, जिसका फॉर्मूला होता है बच्चों a³ − b³ − 3ab ब्रैकेट a − b। कंपेयर करना है बच्चों, तो a के जगह पे क्या आ रहा है, यहाँ पे a के जगह पे x आ रहा हो, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो b के जगह पे जो यूज होगा 2/3 × y, 2/3 × y। सिंपली क्या करना है बच्चों, इसमें पुट करना है, a के जगह पे x³ − b के जगह पे 2, b के जगह पे बच्चों 2/3 × y का क्यू माइनस 3a के जगह पर x, और b के जगह क्या पुट करना चाहिए, 2/3 × y, 2/3 × y a − b, a के जगह पर x और b के जगह पर 2/3 × y। अब सिंपली क्या करना चाहिए, इसको सॉल्व करना है, x का क्यूब हो जाएगा, यहाँ पे ऊपर वाले को स्क्वायर करेंगे, 2 का क्यूब करेंगे क्या आएगा, 8 आ जाएगा, 3 का क्यूब करेंगे तो 27 हो जाएगा। y कितना रहा, 3 बार है, और 3 से क्या, 3 कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा जो माइनस का 2xy, 2xy ब्रैकेट x − 2/3 × y। सिंपली क्या करना चाहिए, उसको लिख देना है, x³ − 8/27 × y का क्यू माइनस, इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 2x कितना रहा, 2 बार है, और y कितना बार है, 1 बार है। फिर इसको ऊपर वाले को ऊपर से गुणा करें, माइनस को माइनस से करेंगे तो क्या प्लस होगा, 2×2 = 4, और नीचे क्या 3 है, और x इसमें कितना रहा, 1 बार है, y कितना बार है, 2 बार है। यही क्या हो गया इसका बच्चों सॉल्यूशन हो गया। अगर बच्चों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करना चैनल को ना भूले। कोई भी डाउट हो तो कमेंट में उसे जरूर लिखे। थैंक यू।